आप सभी को हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन और स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, एक गरीब किसान था जिसका नाम हरिलाल था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसके पास बहुत कम संपत्ति थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था जो जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर था। हरिलाल कड़ी मेहनत करता था लेकिन उसकी फसल अक्सर सूखा या कीड़ों से नष्ट हो जाती थी। एक दिन हरिलाल के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया और उसका घर भी नष्ट कर दिया। हरिलाल बहुत दुखी था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। हरिलाल के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वह एक साहूकार से कर्ज लेने गया। साहूकार ने उसे बहुत अधिक ब्याज पर कर्ज दिया। हरिलाल को कर्ज चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी लेकिन वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। धीरे धीरे हरिलाल और उसका परिवार गरीबी में डूब गया। हरिलाल को अपने बच्चों को काम पर भेजना पड़ा ताकि वह परिवार का पालन पोषण कर सके। हरिलाल की पत्नी भी बीमार हो गई और मर गई। हरिलाल अकेला और निराश था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। वह सोचता था कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले। एक दिन हरिलाल एक साधु से मिला। साधु ने हरिलाल को समझाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उन्होंने हरिलाल को धैर्य रखने और संघर्ष जारी रखने के लिए कहा। हरिलाल ने साधु की बात मानी। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा और अपने बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे हरिलाल की किस्मत बदलने लगी। उन्होंने अपने कर्ज को चुकाया और एक नया घर बनाया। हरिलाल के बच्चों ने अच्छी नौकरी पाली और वे अपने पिता की देखभाल करने लगे। हरिलाल को आखिरकार अपनी जिंदगी में खुशी मिली। उन्होंने सीखा कि जीवन में कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। उन्होंने सीखा कि धैर्य और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अंत में बोलना चाहूँगा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।